दम बिरयानी बनाने का एक खास तरीका होता है। ये एक बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है जो सदियों से हमारे घरों में बनती चली आ रही है। आज मैंने इसका वेजिटेरियन वर्जन रिक्रिएट किया है जिससे इसमें वही खुशबू और टेस्ट रहे जो कि एक बिरयानी में होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो आइए मिलकर बनाते हैं बहुत ही टेस्टी वेज बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। और अब हम इसमें ये स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। और अब हमें प्याज को भूनना है जब तक कि एकदम ब्राउन कलर की ना हो जाए। ये देखिए अनियंस जो है अच्छे ब्राउन हो गए हैं। हम इनको निकाल लेंगे और आप इनको निकाल के एक टिश्यू पेपर पे रखें जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इसमें आ गया है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए सारे अनियंस मैंने निकाल दिए हैं। और अब हम इस बर्तन को साइड में कर देंगे और एक दूसरा बर्तन चलाएंगे चावल उबालने के लिए। चावल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के नमक। इसमें डालेंगे 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री, 2 तेज पत्ते, 2 हरी मिर्चें और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 स्टार एनीस। तो ये थोड़ा मेरा टूट गया है, इसको हम कवर कर देंगे और पानी में अच्छे से बॉईल आने देंगे। ये देखिए पानी अब अच्छे से उबल रहा है। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, इससे क्या होगा कि चावल एकदम खिला खिला रहेगा और चिपकेगा नहीं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप चावल। तो आज यहाँ पर मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। इस चावल को मैंने अच्छे से धो के और करीब 20 मिनट के लिए सोक कर दिया था और 20 मिनट बाद इसका पानी निकाल के अलग कर दिया था। और ये चावल अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। हम इनको मिक्स कर देंगे और अब हमें चावल को सिर्फ 80% तक पकाना है, मतलब ये हल्का सा कच्चा रहना चाहिए जिससे कि ये बाद में भी थोड़ा सा पक सके। ये देखिए चावल अब बहुत अच्छे से उबल रहे हैं और ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा हो गया है साइज़ में और ये सिर्फ 80% तक कुक हुआ है। और अब हम इसको छान के इसका पानी अलग कर देंगे और इसको एक बड़े से बर्तन पर फैला देंगे। अब मैंने फिर से वही पैन गैस पे चढ़ा दिया है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है, जो तेल बचा था हम उसी को यूज़ करेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 स्लाइस किया हुआ प्याज। इसको हम हल्का सा चला देंगे और प्याज को हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। ये देखिए प्याज अब हल्का सा ही सुनहरा हुआ है। हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक, तो फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक डालें। मैंने करीब 15 से 20 गार्लिक लिए होंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और उसको कूट लिया है। अदरक लहसुन बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ सब्जियां। तो आज मैं इसमें गोभी डाल रही हूँ, तो आप बड़े या छोटे पीसेस जैसा कि आपको पसंद हो उस तरह से डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे सेम या बीन्स। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़े से गाजर कटे हुए। यहाँ पर मेरे पास है थोड़े से आलू जिनको कि मैंने काट लिया है। इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 7 से 8 मिनट तक भुनने देंगे। ये देखिए सब्जियों को मैंने हल्का सा भून लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े मसाले। इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून बिरयानी पाउडर। इनको हल्का सा मिला लेंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास है सोया चंक्स, तो इनको मैंने बॉईल कर लिया था और फिर इनको स्क्वीज़ करके इनका पानी निकाल दिया था। करीब 1 कप होंगे ये मैं मिला रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप फेटा हुआ दही, थोड़े से मिंट लीव्स करीब 1/4 कप और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि मसाला जो है जले नहीं। इन सभी को मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमे कर देंगे, इसको ढक देंगे और सब्जियों के 80% तक कुक होने तक इसको पकने देंगे। सब्जियों को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, हम इन्हें चेक कर लेंगे। इनको एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए आलू दबा के देख लें आप, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इसका मतलब हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमने चावल अलग से उबाल के रखे थे उसकी लेयर लगा देंगे। तो मैं आज मल्टीपल लेयर्स नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही लेयर जो है चावल की इसके ऊपर कर दूंगी। और याद रखिएगा हमें गैस की फ्लेम को अभी भी धीमे पे ही रखना है। ये देखिए इसको अच्छे से हाथ से इस तरह से फैला दें आप। और अब हम इस पर डाल देंगे काफ़ी सारे फ्राई किए हुए अनियंस, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना
इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केवड़े का पानी और इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज कलर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं हल्का सा इस तरह से होल करूँगी और इसमें भी थोड़ा सा कलर डाल दूँगी और इनको वापस एक साथ फैला देना। और अब हम इसमें डाल देंगे ये केसर वाला दूध। तो मैंने यहाँ पे 15 से 20 स्ट्रिंग केसर की आधे कप दूध में घोल के रख ली थी। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला और अब हमें इसे दम देना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये गूथा हुआ आटा लिया है, बस हमको इसको इसके सरफेस पे इस तरह से स्टिक करना है। तो ये बिरयानी को दम करने का ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आप ये ना करना चाहें तो आप सीधे इसको ढक्कन से ढक दें और जो ढक्कन है उसको आप कपड़े से कवर कर दें। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से आटा चिपका दिया है इस पर और अब हम इसके ऊपर ये प्लेट रख देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे कि जो स्टीम है इससे बाहर ना जा पाए। और अब हम इस बर्तन को यहाँ से उठा लेंगे और अब मैंने यहाँ पे एक लोहे का भारी तवा लिया है, इसको मैंने 5 मिनट तक गर्म कर लिया है और अब मैं ये बिरयानी वाला बर्तन इस पर रख दूंगी। अब हम इसको 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकने देंगे। अब हाई फ्लेम पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बिल्कुल धीमे कर देंगे और बिरयानी को 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पे दम होने देंगे। बिरयानी को दम पे लगाए हुए मुझे 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और आइए हम इसको खोल के देख लेंगे। हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देखें क्या मज़ेदार दिख रही है और बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा देसी घी जिससे इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। तो ये देखें कितनी बढ़िया खुशबूदार खिली खिली बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, ऑसम कॉम्बिनेशन लगता है, तो ट्राई करिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।